शिवलिंग पर पैर रखकर खड़े होकर संपूर्ण सनातन धर्म की भावना को आहत करने वाले राजा भैया सरकार के विरुद्ध अखिल भारतीय हिंदू टाइगर फोर्स द्वारा आधारतला थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के नाम ज्ञापन सौंपा और राजा भैया सरकार के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई। अखिल भारत हिंदू टाइगर फोर्स के पदाधिकारी ने आरोप लगाया कि राजा भैया समर्थ सरकार द्वारा जो अपने आप को संत बताते हैं उन्होंने भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर पैर रखकर वो खड़े होकर सनातन धर्म के हिंदू भावनाओं का आहत किया है और उनके खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। जिंदाबाद। आज हम हिंदू टाइगर फोर्स के सभी पदाधिकारी जो है आधारताल थाने में उपस्थित हुए। आधारताल थाने में इसलिए उपस्थित होना पड़ा हमें कि जिस तरीके से फर्जी संत है समर्थ राजा भैया सरकार, उसको ना समर्थ कहा जाए, ना उसको सरकार कहा जाए, ना उसको भैया कहा जाए, कायदे से उसको एक भ्रष्टाचारी संत कहा जाए। इससे पहले उसने कई भ्रष्टाचार कार्य किए, जबलपुर में गौ माताएं मारी, उसके बाद इसने पदयात्रा के नाम पे कई जमीनों पे कब्जा किया, कई नेताओं के संरक्षण में इसने इस कार्य को संपन्न कर रहा है। ये मेरा आग्रह है, जबलपुर संत परिषद से भी मैं आग्रह करूँगा कि ऐसे संत का पंजीकृत रद्द कर इसको जूते की माला पहनाई जाए, और अगर ऐसा करने में हिंदू समाज असमर्थ है या संत समाज असमर्थ है या कोई नेता असमर्थ है तो हिंदू टाइगर फोर्स पूरे भारत में उग्र आंदोलन करेगी। और ये संत जब भी जबलपुर के अंदर उपस्थित होगा देवेंद्र हिंदू टाइगर फोर्स की पूरी टीम इसके मुँह पर जूता मारेगी, इसको शाही मारेगी। देवों के देव महादेव आराध्य जिनको पूरी सृष्टि का जिन्होंने निर्माण किया उनके ऊपर पैर रखकर उनके ऊपर चढ़कर ये क्या साबित करना चाहता है? कौन सा संत है? ऐसा कौन सा संत इसमें बन गया? ये क्या ये भगवान शिव से ऊपर भगवान बन गया? ऐसा हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसा जबलपुर के संतों के द्वारा एक्शन नहीं लिया गया, प्रशासन के द्वारा एक्शन नहीं लिया गया, इसके ऊपर गिरफ्तारी नहीं की गई, किसी भी नेता के दबाव पर अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो हिंदू टाइगर फोर्स बाध्य होगा, इसके ऊपर शाही फेंकेंगे, इसके जूते से इसको मारेंगे। और अगर इस पर अगर हम लोग की गिरफ्तारी होती है या कुछ भी होती तो हम ये समझेंगे कि संत के सामने पुलिस प्रशासन भी बिक गया और हमारे नेताओं के दबाव पर प्रशासन भी दुखा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हिंदू टाइगर फोर्स राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र दर्ज कराने की मांग को लेकर आए हैं, क्योंकि बड़वानी के नर्मदागिरी नीलगिरी जो आश्रम है वहाँ के एक संत ने शिवलिंग भगवान शिवलिंग के ऊपर खड़े होकर पैर रखकर फोटो खिंचवाया, जो हमारे हिंदू सनातन धर्म को अपमानित किया है और हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँचाई है। आज हम यहाँ पे नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा अथातल में आवेदन देने आए हैं और मांग करते हैं 153-295 हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँचाइए, इस तहत कार्रवाई की जाए और फर्जी संत को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। प्रदेश अध्यक्ष हिंदू टाइगर फोर्स हिंदू सुशील वर्मा। आज हिंदू टाइगर फोर्स के सदस्यों द्वारा माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी मध्य प्रदेश शासन के नाम पर एक आवेदन दिया है, जिसमें शिवलिंग पर पैर रखकर खड़े होकर संपूर्ण सनातन हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाले फर्जी संत राजा भैया सरकार के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई के बाबत एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस संबंध में ज्ञापन दिया गया, उसकी वैधानिक कार्यवाही जाँच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें FIR दर्ज करने की मांग की गई, क्या कार्रवाई कैसे की जाएगी? वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर, और ये घटनास्थल यहाँ का नहीं, ये घटनास्थल बड़वानी जिले का है, तो इसमें जो भी होगी वैधानिक कार्रवाई विधिवत वैधानिक कार्रवाई करके अवगत कराएंगे। अपना नाम? उप निरीक्षक अनिल कुमार थाना अधिकारी।